भारतीय किसान संघ के निर्देश अनुसार पूरे मालवा प्रांत में 17 जिलों की 112 तहसीलों में विद्युत वितरण केंद्रों पर ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ सुजालपुर तहसील अरनिया कला सुजालपुर अकोदिया विद्युत वितरण केंद्र पर जमकर नारेबाजी कर घेराव किया गया और ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि जले हुए ट्रांसफार्मर के लिए एम्बुलेंस सुविधा चालू की जाए, ओवरलोड ट्रांसफार्मर को अंडरलोड किया जाए, ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर बदला जाए, मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना शीघ्र चालू की जाए, अस्थायी कनेक्शन किसान की मांग अनुसार दिया जाए, 12 घंटे बिजली किसान की सुविधा अनुसार दिन में दी जाए आदि विषयों को लेकर ज्ञापन दिया। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। आज तीन विषयों को लेकर जगह जगह आपने ज्ञापन दिए। आज भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में प्रांत के सभी तहसील स्तरों पर जो भी डीसी आती है उनको हमने एक बिजली समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। कुछ तो बिजली की समस्याएं जो लापरवाही बरती जा रही है और कुछ समस्याएं प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि अनुदान योजना ट्रांसफार्मर की चालू की जाए, एम्बुलेंस सुविधा, जिस प्रकार डॉक्टर की आती है, कोई बीमार होता है तो डॉक्टर की एम्बुलेंस आ जाती है, उसी तरह अगर ट्रांसफार्मर किसान ख़राब होता है तो फ़ोन लगाने पर एम्बुलेंस आए और उसको खाली निकाल के ले जाए और नया ट्रांसफार्मर डाल के जाए, और भी समस्या ओवरलोड ट्रांसफार्मर को अंडरलोड किया जाए, किसान की मांग अनुसार अस्थायी कनेक्शन दिया जाए, ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर पूरे प्रांत की सभी 112 तहसीलों में आज ज्ञापन हुआ है। जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है उसके ऊपर भी अमल किया जाए, ट्रांसफार्मर अनुदान का लगाया जाए, इन विषयों को लेकर आज सुजालपुर तहसील ने 3 से 4 जगह पर डीसीओ में ज्ञापन दिया है। हमारी ज्ञापन को नहीं माना, मांगों को नहीं माना गया तो एक बड़ा आंदोलन की योजना संगठन की बन रही है। सभी डीसीओ के ऊपर हम भारतीय किसान संघ ताला डालेंगे, घेराव करेंगे अगर इन मांगों को हमारे नहीं माना गया तो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।